नगर निगम शिमला इन दिनों आवारा कुत्तों की नसबंदी कर रहा है। लोग अक्सर पार्षदों के पास आवारा कुत्तों के आतंक की शिकायतें लेकर पहुंचते हैं। छोटे बच्चों को रास्ते में आने जाने में डर लगता है। कई ऐसी घटनाएं भी शिमला में देखने को मिली है जहां आवारा कुत्तों ने बच्चों और बुजुर्गों पर हमला किया हो और उन्हें काटा हो। शहर की गलियों में आवारा कुत्तों की बढ़ने की संख्या का मुख्य कारण यह भी है कि कई लोग ऐसे स्थानों पर डॉग फीडिंग करते हैं जहां से अधिकतर लोगों की आवाजाही होती है। ऐसे में उस स्थान पर कुत्तों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है और वह बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि नगर निगम शिमला ने 4 सितंबर से आवारा कुत्तों की नसबंदी का कार्य शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर में बढ़ रहे आवारा कुत्तों की जनसंख्या को रोकना है। देखिए, बहुत से लोगों की इस कुत्तों को कुत्ते के द्वारा काटने की बहुत शिकायतें भी आ रही हैं। और ये जो नगर निगम के कार्यक्षेत्र में आता है वो एक हम उनको ऑपरेट करने का हमारे पास एक सिर्फ एक वो तरीका है कि हम उसको ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसका हम अभी 4 तारीख से हम इसको पूरा मंथ इसको अलग अलग वार्ड्स में जहाँ जहाँ पार्षदों के द्वारा बताए जाएंगे या लोकल लोगों के बारे में बताए जाएंगे जिनका ऑपरेशन नहीं हुआ कुत्तों का, उनका ऑपरेशन किया जाएगा। एक बड़े लेवल पे हम इसको काम करना चाह रहे हैं ताकि इन कुत्तों की आबादी ना बढ़े और जहाँ जहाँ थोड़ा सा इसको जो एग्रेसिव हो जाते हैं उससे भी काफ़ी कमी आती है।